यही दरवाजा। प्रज्वल भाई 6 बजे सुबह 6 बजे प्रज्वल भाई। अनार है ना? अनार है, पपीता है। आजकल हम डाइट फॉलो कर रहे हैं। मैम हैप्पी होली। चलो हैप्पी होली के बच्चे। मतलब मैं किसी लड़की को हैप्पी होली बोल रहा हूँ। देखो भाई हम खाली हाथ नहीं जा रहे, हम अपनी बाइक भी साथ लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे भाई ने नई बाइक खरीदी है, ट्रायम्फ। अरे क्या बता दे भाई। ट्रैक्टर के अंदर देखोगे ना, चार्जिंग पॉइंट देखो, इतने हमें होटल के रूम में नहीं मिलते जब हम जाते हैं। लड़ते हैं आपस में बेड के पास, मैं सोऊंगा और यहाँ। ये वाली बाइक देखो, चढ़ा दिया भाई, चढ़ा दिया, टपा दिया। वो देख ट्रॉली, देख ट्रॉली भाई। सुबह के 6:45। गुड मॉर्निंग वकील। गुड मॉर्निंग मेरे भाई आमिर भाई। जा रहे हैं घर, सारा सामान वगैरह सेट। ये हो गया कोल स्टार्ट। बच गया। बाहर निकलते निकलते दरवाजे पे टक्कर मार गया है ये। बैग का ध्यान रखना, बैग बाहर है, भरे हुए हैं, ठीक है, आराम से जाना। 3 hours later भाई मुझे ये बता, आमिर ने जाते जाते तेरे को उठाया था सुबह? मेरे को लगा कि मतलब सोने से पहले गुड नाइट बोलने आया है। हाँ कि सोया नहीं था, हाँ देख रहा था। कितने बजे तक रील देख रहा था वो? 3:30 तक रील देख रहा था। पूरे 3:20 तक तो मैं था खुद, टाइम देखा। 6 बजे आके उसने मेरे को उठा दिया, इसको भी उठाया स्पेशल जाके कि उठ जा मैं जा रहा हूँ। और अभी टाइम देखो भाई 11:38। सुबह 6:15 बजे दरवाजा नॉक हुआ तेज। प्रभजोत भाई मैंने उसको बोला था 6:30-6:30 बजे जाएगा ना, मेरे को मत उठाइयो, चला जाइयो। अगर 8-9 बजे तक जाएगा ना, क्योंकि मेरे को नींद पूरी करनी जरूरी है, आज हो सकता है अपने को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है। प्रभजोत भाई मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला उठा क्यों रहा है, मैंने अंदर से आवाज मारी, बोला मेरे को क्यों उठा रहा है, बस बता रहा हूँ। अब नींद तो खुल गई, फिर मैं उठ के बाहर आया, 7:15 उसने बजा दिए, वीडियो एडिट करी, उसके बाद मैं सोया ही नहीं। और अभी का सीन क्या है, हमने जो ट्रेन की टिकट बुक कराई थी ना, और वो ना वेटिंग में जा रहा था 122-123। अपने को लगा था कंफर्म हो जाएगा, लेकिन वो कंफर्म हुआ नहीं। मैंने नहीं टिकट बुक कराई थी, मेरी बहन ने टिकट बुक कराई थी। सुबह मेरे को उसका मैसेज आया कि पेमेंट जो है ना आपकी रिफंड हो गई है, टिकट कंफर्म नहीं हुई है अभी तक। फिर मैंने उसमें PNR स्टेटस भी चेक करा, यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा, अभी भी 122-123 वेटिंग चल रहा है। लेकिन अपने को जाना कहाँ है, मैं पहले आपको बता दूँ, हम जा रहे हैं होला मल्ला मनाने के लिए अनंतपुर साहिब। हर बार सुनता हूँ, हर बार वीडियोस देखता हूँ, लेकिन कभी जा नहीं पाता। इस बार मेरा अंदर से मन था कि भाई मैं गुरुद्वारे जाऊँ, वहाँ पर होला मल्ला बनाऊँ, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरा ये भी मन था कि आपको भी दिखाऊँ। काफ़ी बंदों ने उसकी वीडियोस देखी होगी, लेकिन काफ़ी बंदे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा वहाँ पर इतनी खुशी, इतने धूम धड़ाके से मनाया जाता है। तो ये था कि काफ़ी टाइम से ट्रेन में हमने ट्रैवल भी नहीं करा, ट्रेन में जाएंगे आराम से घूमते घुमाते, मजे आएंगे, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन टिकट ही कन्फर्म नहीं हुई, तो अभी हमारा प्लान हो रहा है शायद हम गाड़ी लेकर जाएँ। गाड़ी में ये रास्ता पड़ता है 7.5 घंटे का, जहाँ हमें जाना है 7.5 घंटे का, ट्रेन में 4 घंटे का, क्योंकि ट्रेन सीधा सीधा चलती रहती, गाड़ी यहाँ वहाँ जाम में फंसेगी। लेकिन ठीक है, अब जाना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। सुबह सारे तैयार होकर बैठे पैकिंग वैकिंग करके कि अगर बाय चांस, ओ यार ये देख क्या फंस गया, टोकरी मेरे साथ ही आ गई है, अगर बाय चांस हमारी टिकट कन्फर्म हो जाती है तो चले जाएंगे हम स्टेशन, नहीं तो नहीं जाएंगे। ओए ओए चुनमुन, अब ये काफ़ी ठीक हो गया, इसकी टोकरी हम चाहे तो उतार सकते हैं, लेकिन अभी उतार नहीं रहे। इधर देखना, नींद में है क्या सुबह? पता सुबह कैसे नॉक कर रहा था दरवाजा, यही दरवाजा। प्रज्वल भाई 6 बजे सुबह 6 बजे प्रज्वल भाई। मैंने अंदर से आवाज मारी, हाँ बोल, मैं जा रहा हूँ, बस आपको बताना चाहता हूँ प्रज्वल भाई, जा रहा हूँ मैं। अब बताओ जितनी मर्जी गहरी, मैं कह रहा हूँ कुंभकर्ण भी अंदर सो रहा होगा ना, तो उसकी नींद भी खुल जाएगी, इतने ऐसे डोर नॉक किया था जान के उठाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो भी निकल गया, हम भी निकलते हैं, गाड़ी पे चले जाते हैं यार, जहाँ जाना है वहाँ तो जाना है ना। देखो भी मेरा तो ज़्यादा पैकिंग के लिए सामान भी नहीं है, कुर्ता पजामा लेके जा रहा हूँ, लैपटॉप है, इसमें मेरी सारी चार्जिंग केबल है, सैनिटरी बैग है, एक पगड़ी एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ अगर इस पगड़ी पे रंग लग जाए जो पहनी हुई है, और ये ड्रायर, बस दैट्स इट। भाई फोन बज रहा है, इट्स योर मोबाइल फोन। चलो भाई सारा सामान पैक, सब एकदम रेडी, और टाइम आपका होता हूँ 12:30। इतने बजे हमें घर से निकलना था ट्रेन के लिए, 2:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन कैंसिल, अब हम जाएंगे गाड़ी पे। कोको बाय बेबी, अब ये ठीक भी है, ये उतार भी सकते हैं, लेकिन मैंने साधना को बोला आज मत उतारी, कल उतारियो, देखो इसको सबसे पहले जाना है। तू कहाँ जा रहा है कोको? कोको क्या हुआ? ओए इसको बाहर भागना है, साधना इसको भी चक्कर कटाला हमारे साथ साथ। ओए देखो इसको निकलते टाइम खाना याद आ गया है, इन महाराज को भी जाना हमारे साथ, लेकिन वहाँ पूरा ये रंगारंग जाएगा और बहुत ज़्यादा वहाँ पर संगत रहने वाली है, कहाँ इसका हम ध्यान रखेंगे, परेशान हो जाएगा, ढोल नगाड़े, मतलब
हालत खराब हो जाएगी इसकी। हम जब भी जाते हैं इसको छोड़ के जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर हमें पता होता है पीछे से साधना है ना, जितना ख्याल हम रखते हैं उतना ही साधना भी रखती है, तो टेंशन नहीं है। ले साधना इसको, जाओ साधना के पास। और आज ना मैंने बहुत दिनों बाद शर्ट पहनी है, जब मैं ऑफिस में था ना तब रेगुलर शर्ट पहन के जाता था, मेरे को पहननी अच्छी लगती है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया बिल्कुल छोड़ ही दी है। अभी शुरू करूंगा, दो तीन शर्टें और लेके जा रहा हूँ, वापसी आते हुए भी शर्ट पहनूंगा, कल पहनूंगा कुर्ता पजामा होली वाले दिन। शाम मिला दे, शाम मिला दे भैया, रोज रोटी लेने आते हैं, सारी गाय को डालते हैं। लो भाई सारा सामान सेट, अब एक समीरन का बैग आना है बस, अभी मेरे ख्याल से ऊपर वो खाना खा रहा है। और ये देखो ये है स्नो चेन जो मोल्टो भी ले लेकर आए थे, अभी तक ऐसी पड़ी हुई, ये काम आएगी, जल्दी काम आएगी। आज तो सूट पहन के जा रही हो, बड़े टाइम बाद देख रहे हम तुम्हें सूट में, लास्ट याद भी नहीं कब पहना था, पता नहीं। होली के ले लिया सूट? हाँ, ले लिया ना, बस फिर ठीक है। घर से निकलते निकलते हमने 12:30 कर दिए। गाड़ी में बैठते ही वकील को भाई सरप्राइज मिला है, ये कहाँ से मिला कवर? किसके फोन का है ये? तेरे ही फोन का कवर था, इसी में पड़ा हुआ था, और आज वापसी मिली है इसको। अबे ये अभी भी अपने को रेलवे स्टेशन लेकर जा रहा है भाई, बताओ इनको। नहीं जा रहे हम ट्रेन से, कैंसिल हो गया, टिकट ही कंफर्म नहीं हुई। क्या सपना सोचा था ट्रेन से जाएंगे, रास्ते में रुकेंगे, पकोड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, हर स्टेशन पे उतरेंगे, ट्रेन चलने वाली होगी, उछल के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन सारे सपने चूरा चूर हो गए। एक्चुअली हमने ना लास्ट में प्रोग्राम बनाया, लास्ट में टिकट करवाई, हमें लगा था 120 ही तो वेटिंग है, तो प्लान कैंसिल। लेकिन जहाँ जा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको, ना मज़ा आया, ना मज़ा आया, सारे पैसे वापसी, ठीक है ना वकील? जितने पैसे तूने लिए सब वापसी करने पड़ेंगे, दे देंगे, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए हमें। भाई इतने बड़े बड़े हाईवे पे घूमते घूमते इसने गलियों में घुसा दिया। वो आज कोई त्योहार है क्या? करवा चौथ तो नहीं है? नहीं, अच्छा छोटी होली है, ओके होली का पूछते हैं। वो तो पैर वैर छू रहे, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। पाए लागू हमने भी छू लिए दूर से, पाए लागू दीदी दीदी सारे छुओ, पाए लागू दीदी, पाए लागू बड़ी दीदी। कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें देख बताती हूँ। मैं अब मैं बताती हूँ तुम्हें, अनार है ना, अनार है, पपीता है, आजकल हम डाइट फॉलो कर रहे हैं। अमरूद रहने दो फिर, पक्का ना, पपीता वगैरह ये खाएंगे और क्या। चलो फिर ठीक है, हमने अमरूद को देख के गाड़ी रोकी थी, अमरूद ले लेते हैं, फिर याद आया ये भी तो पैक करके लाए, ये भी खाना है, अमरूद ले ले। फिर यूटर्न मार के वापसी आऊंगा, आगे ना मिला तो अमरूद वाला तो डब्बे खाली रहेंगे ना। अच्छा ठीक है, हाँ डब्बे में भर लेंगे। मीठे लग रहे हैं अमरूद ये, सही में कैसे दिए अमरूद? थैली में डाल के 100 रुपए, 100 रुपए के 1.25 किलो। कैसे मीठे हैं, टेस्ट कराओगे? भैया मत कराना टेस्ट, एक खा के भाग जाएंगे, ये मजाक नहीं कर रहा आपको लग रहा है? ये देखो हाथ देख इसका, भैया टेस्ट कराओ। सारे भूखे हम ही लेके घूम रहे हैं, बात खत्म। नहीं नमक है, नमक भी दो, टेस्ट करने के लिए नमक भी तो दो, नमक डालना। अगर भूखी होती ना तुम लोगों को देती नहीं मैं इसको, लेना कहीं नमक डालना। ये बढ़िया है, दे दो भैया, दे दो। देखो जी हमने तो अपना पेट भर लिया है, गाड़ी का पेट थोड़ा सा भरा हुआ है, ज़्यादा नहीं, 146 किलोमीटर दिखा रहा है, और अपने को जाना 347, तो लगे हाथ यहाँ से फुल भी करवा लेते हैं, पेट्रोल है ना, है हर कोई हमारी गाड़ी देख के ना डीजल के आगे लगवा देता है। अभी देखो इनसे पूछता हूँ, इनको लगेगा हमारी गाड़ी डीजल है, बड़ी गाड़ी ना ज़्यादातर लोग डीजल ही लेते हैं ना। भैया फुल कर दो, मैं नहीं बताऊँगा इनको गाड़ी पेट्रोल है डीजल है, देखते क्या कहते हैं। सर पेट्रोल ही है। हाँ कैसे पता? ढक्कन पे लिखा हुआ था? नहीं। फिर खुशबू से? नहीं। कैसे पता लगा ये बताओ पहले आप। मेरे मालिक के पास भी यही है। ओ भाई साहब, ठीक है डाल दो भैया। हम कभी भी सोचते हैं ना किसी को बुद्धू बनाने का, हम खुद ही बन जाते हैं। ऊपर वाला कहता रुक, ज्यादा शाना बन रहा है। मालिक कौन है? मालिक इनके होंगे यहीं कहीं, मतलब पेट्रोल पंप का मालिक। इतना गंदा पेट्रोल पंप क्यों रखा है? अच्छा मतलब डिफेंडर है तो पेट्रोल पंप को सजा के रखे, गुब्बारे लगा के रखे। नहीं, हम अपनी गाड़ी तो साफ, हम अपनी गाड़ी तो साफ रख नहीं पाते, ये पेट्रोल पंप की बात कर रही है। ये देखो ये देख रहे हो, ये तो आपके पास होती ना गाड़ी, मेरे पास होती गाड़ी तो देखते आप।
वो देखो आमिर भाई की काम आमिर भाई ने लेके गई थी गाड़ी, इतनी गंदी हुई पड़ी थी। आपके पास है ना, आपके पास नहीं है ना क्या? सभी तो गंदा है। एग्जैक्ट 6000 का पेट्रोल आया। अब हमारी गाड़ी चलेगी 519 किलोमीटर, दिखा रहा है इतनी, लेकिन 450 भी खत्म हो जाएगा। भाई मुझे को ये बताओ, ये डंडा क्यों लगाया हुआ इन्होंने? यहाँ तो मैं साइड से निकल जाऊंगा। भैया ये डंडा क्यों लगाया हुआ है? इसके तो मैं साइड से निकल जाता। अच्छा, भैया गाड़ी देखी जा रहे, हमारी जवाब ही नहीं दे रहे। ये कहाँ बंद होगा, ये बंद हो भी जाएगा तो यहीं तक बंद होगा। हो जा बंद, हो जा, हो क्या, दिखा एक बारी बंद। ये क्या ही क्यों है? बंद हो गया भाई। इसको नाई लगाते हो ज्यादा बढ़िया था। सुबह भी पपीता खा के आया हूँ, अभी भी पपीता खा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है अभी 3 दिन पपीता ही चलेगा। क्यों? इतना डब्बा जो भर लाई हो, जो घर में रखा हुआ था वो लेके आई हूँ। ओके ओके ओके, पपीता जल्दी खराब हो जाता है ना, मेरे को लग रहा है काटने के बाद दूसरी टाइम खा लो। और क्या भाई, इतने सारे ढाबे आ गए, पराठे वराठे खा ले क्या? ऐसे लग रहा सारे ढाबे पे खाने ही आए इतनी दूर से। टोल पे फंस गए भाई, आगे ऑटो खड़ा हुआ है, पीछे 10 मिनट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हमारे पीछे देखो लंबी लाइन, वो ट्रक वाला भाई उतर के भी आ रहा देख रहे हैं, गाड़ी वाला भी उतर रहा है। अरे चल क्या रहा है, ये सारी लाइनें चल रही है, हम ही खड़े हैं। साइड में लगा दे ना, साइड में ऐसे लगा सकता ना, पार लगाएगा भाग गया तो भाई सब केस होगा। हमारा वकील निखट्टा है, वकील आए जा देख कर, बोल केस कर दूंगा। अभी भी हमारा रास्ता बचा हुआ है करीबन 240 किलोमीटर, और मौसम एकदम बारिश वाला हो गया है। ये क्या था भाई, तगड़ी बारिश मिलने वाली आगे ना हमें। हम तो गाड़ी में है, लेकिन ये जो लोग ऑटो में जा रहे हैं भीग जाएंगे यार पूरा ना। लो जी, अपने को लगी थी तगड़ी भूख, ज्यादा रुकने का टाइम नहीं क्योंकि बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, अंधेरा होने से पहले हम सोचे पहुंच जाए तो ड्राइव थ्रू से ही लेते हुए खाते हुए निकल जाएंगे। फटाफट से सोच लो भाई क्या क्या खाना है। देखो मैं तो वेज खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा क्योंकि गुरुद्वारे जा रहा हूँ। तू भी वेज? हाँ। तो सारी वेज खा लो, सारे वेज खा लो, काम ही खत्म। कहाँ चलेगी मैम? मैडम हेलो हेलो मैम, 18 आलू टिक्की और 250 मैक पफ। मैम हैप्पी होली। चलो हैप्पी होली के बच्चे। मतलब मैं किसी लड़की को हैप्पी होली मतलब मैं उस लड़की को हैप्पी होली विश कर रहा हूँ, चलो ना होली के बच्चे, मतलब क्या मैं विश ना करूँ? कर ले, अच्छा लगता है सबको। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली दीदी आई थी यहाँ पर भैया। दीदी आई थी ना यहाँ भैया, और सीढ़ियों पे काम कर रहे हैं, वो देखो भैया हैप्पी होली, हैप्पी होली। वो कह रहे जो सीढ़ियों पे खड़े ना उनको भी नीचे उतारो, सबको बुला लो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो ओके भाई, अच्छा लगा मिलके, बाय बाय। और ये अपना सारा ऑर्डर आ गया, थैंक यू। कह रहा हूँ मैं ब्लॉग में इतना नहीं अच्छा लग रहा था जैसे आप सामने से देखने में ना। मैं आज आपके ब्लॉग देख के आया था यहाँ पे। कहाँ पे? जॉब करने? हाँ जी। और वैसे नहीं आते? वैसे आते हैं लेकिन आज अच्छा अच्छा सुबह सुबह देख कर आए थे, अच्छा लगा मिलके। एक फ्रेंच फ्राइज फालतू डाल दिए ना। हाँ जी। ओ भाई साहब ये कर रहा चटनी वेस्ट, चटनी वेस्ट नहीं है ये, क्या है ये? एक एक फ्रेंच फ्राइज अगर इतनी चटनी लगाएगा हम क्या खाएंगे? देख रहा पूरा पैकेट पड़ा है, चटनी यहाँ से गायब हो गई है, सारी चटनी यहाँ रखी हुई थी। जो चटनी में स्वाद है वो इसमें नहीं है। तो खाली चटनी खा लेना। नहीं इसके साथ ही अच्छा लगता। आगे गाड़ी में बड़े सारे बच्चे हैं, हाई कर रहे हैं, होली खेल के आए हैं, हाथ पूरे रंगे हुए हैं उनके। कितना खुश है ना, अलग ही लेवल का खुशी, अलग ही लेवल का गोली मार रहे हैं ऐसे। मेरी पुरानी गाड़ी क्या सही लगती है ना, ये छोटी सी कॉम्पैक्ट जैसे लग रहा है, छोटा टैंक जा रहा है। बहुत मिस करते हम जरको, अच्छी लग रही है। दोबारा ले आएंगे, दोबारा ले आएंगे। नैनो, नैनो तो नहीं आ रही प्लीज। अभी ऑल्टो लिए, अब हम साहिबा को बर्थडे पे मैं पर्सनली गिफ्ट करना चाहता हूँ नैनो। मुझे नहीं चाहिए नैनो। मेरा मन अंदर से कि मैं एक गाड़ी इनको गिफ्ट करूँ और वो हो नैनो, वो भी मजंटा कलर की, मजंटा या नियॉन कलर की। मतलब मैं तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा तो मना कर दो कि नहीं चाहिए? नहीं मना नहीं करूंगी, ऐसे सजा के रखूंगी। नहीं नहीं चलानी पड़ेगी भाई,
चलाऊंगी तो बिल्कुल भी। हर जगह जा जाना है नाना नानी नैनो पे, मैं भी चलाऊंगा नाना नानी नैनो, मेरी फेवरेट कार है। नाना नानी, तुमने उसकी ऐड नहीं देखी थी? नहीं। नाना नानी नैनो मतलब हर कोई उस पे ट्रेवल कर सकता है, नाना भी नानी भी, मतलब ऐड ही नहीं देखी? नहीं। चलो ठीक है, आपने तो देखी है ना नाना नानी नैनो, अब लेंगे हम नैनो। ऑल्टो नहीं बेचेंगे, ऑल्टो तो आई हमारी फेवरेट, लॉर्ड ऑल्टो, अभी आएगी लॉर्ड नैनो। क्या लग रही है ना, स्पीकर लगा हुआ है। देखो भाई हम खाली हाथ नहीं जा रहे, हम अपनी बाइक भी साथ लेकर जा रहे हैं। हमारे भाई ने नई बाइक खरीदी है, ट्रायम की। हाँ भैया टाइम से पहुंचा देना वहाँ पर, बाइक चलानी है वहाँ पर, होली खेलनी है इसके साथ। ठीक है? ठीक है, मान गए हैं। नजर देखो हमारी, चारों की नजर ऐसी होती है बाइक देखते ही। ये क्या बना हुआ भाई, मिसाइल थी? मिसल। अच्छा मिसाइल को मिसल बोलते हैं, मिसल पाओ अंग्रेजी में, लेकिन है क्या चीज ये? मिसाइल ये जिराफ का क्या लग रहा? किसका अंडा? जिराफ का अंडा। वकील के भी ना लॉजिक अलग ही होते हैं, और एक साइड से लगा रहे हैं अभी भी कुछ। भी देता है। जिराफ का अंडा है भाई ये, समझ गए? बच्चे को यहाँ से जो भी निकलेगा हमें टैग करना, कैंगरू रखता है, वकील को भी टैग करना, जिराफ का अंडा लिख के। भाई साहब ट्रक कहाँ चला दिया? अरे रात को नजर नहीं आया होगा ना, वो पीछे भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है, पूरा ट्रक पटरी पे चढ़ा हुआ है, रात को नजर नहीं आई होगी ना पटरी, मेन रोड के बीच में इन्होंने वो लगा रखा था ना फार्मर के लिए, जो बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए थे। हाँ अब एकदम से चलते चलते पत्थर आ गया सामने, ध्यान यहाँ वहाँ हुआ, चढ़ गया, लेकिन सेफ है। ट्रैक्टर ना, ये ट्रैक्टर नहीं है तो वो है गाड़ी उठाने वाले, उस पर ट्रैक्टर थे जो ट्रक चढ़ा हुआ था ना, कम से कम 10-12 ट्रैक्टर खड़े हुए थे पीछे, एकदम से मेरी नजर गई। तगड़ी धूप का मद्देनजर रखते हुए पहले सुबह बारिश वाला मौसम और था, घर से निकले बढ़िया हवा चल रही थी, फिर बारिश वाला मौसम, अभी तगड़ी धूप निकल गई है। धूप का मद्देनजर रखते हुए हम तीनों ने लगा लिए गॉगल। वकील अब तेरा गॉगल कहाँ है? मेरे तो चश्मे है, सॉरी। अच्छा इसके शेड्स है, हमारा गूगल है, हमारा गूगल है। वकील हमारा क्या बता दे भाई, तेरा गूगल कहाँ है? अब तो निकालना गूगल, धूप पे नहीं रात को लगा के घूमेगा क्या? अच्छा कल होली में लगा के, होली में लगा के घूमे कल, दबा दब रंग फेंकेंगे दूसरे के ऊपर, लाल हरे नीले पीले गुलाबी। पंजाब की रोडें कितनी सुंदर है, पंजाब कितना सुंदर लग रहा है, क्या बीच में ग्रीनरी करी हुई है, छोटे छोटे नारियल के पेड़ लगाए हुए हैं, नारियल तो नहीं है, खजूर है ये, अच्छा लग रहा है। रोड इतनी साफ सुथरी, कोई हॉर्न की आवाज नहीं। सॉरी आई डोंट नो खजूर है कि क्या है, खजूर होता है यार। खजूर सब के सब आनंदपुर साहब जा रहे हैं, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर जा रहे हैं, हम भी अपना ट्रैक्टर लेकर आए हैं भाई, हमारा ट्रैक्टर तो यही है। एक तो हमारा शीशा इतना गंदा है ना, लाइन में बाइकें जा रही हैं, और आई थिंक आधे से ज्यादा स्प्लेंडर है, अगली बार बाइक लेकर आएंगे है ना, स्प्लेंडर ही स्प्लेंडर है। कौन सा स्टैंड लगा के चला रहे हो भैया? कौन स्टैंड लगा के चला रहे हैं? वो आगे वाले, मेरे को तो किसी का भी स्टैंड हटा लिया, हटा लिया, हटा लिया। जैसे तुमने बोला किसी ने और नहीं बोल दिया होगा ना, ये देखो ये भी वहीं जा रहे हैं, मिलेंगे भाई मिलेंगे। मेरे को सेल्फी चल रही ट्रक में, मेरे को भी उठा दो, मजा आता ना था ट्रक में बैठने का। भाई एक से एक ट्रैक्टर बनाया हुआ है, इतने सुंदर सुंदर ना, इतनी बढ़िया बढ़िया लाइटें लगाई हुई हैं, फिर भी शीशा हमारा इतना गंदा हो रहा है ना, हम ढंग से दिखाई नहीं पा रहे, इतने सुंदर सुंदर ट्रैक्टर जा रहे हैं, ये देखो पूरा सिस्टम लगा हुआ भाई। तो मैंने सोचा भाई शीशा साफ करता हूँ, उसके बाद बढ़िया वीडियो बनेगी यहाँ से ना। अब हमारी गाड़ी का शीशा सामने वाला एक नंबर हो गया, अब आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया नज़ारे। और भाई साहब इतनी बाइकें जा रही है, इतनी बाइकें जा रही हैं, बुलेट स्प्लेंडर, एक से बढ़िया एक एग्जॉस्ट लगा के, बढ़िया बढ़िया हॉर्न लगा के, ट्रैक्टर देखने में जो मजा आ रहा है ना, दिल खुश हो रहा है, मतलब फील आ रहा है भाई असली पंजाब में हम होली मनाने आए हैं, होली नहीं होला मल्ला मनाने आए हैं। और ये देखो रुके थे गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए, इनको दिख गई दुकान भाई, अब यहाँ पर होगी शॉपिंग। ये इमली है, इमली है मत देना, फिर चुलबुली है ये, चुलबुली का लिखो भाई साहब, चुलबुली इमली, कोई भी टेस्ट करे भाई मत कराओ,
ये टेस्ट कर कर खा के चले जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर क्या बात होगी, फिर ठीक है कराओ इसको टेस्ट। ध्यान से देखोगे ना साइड से ट्रेन जा रही है, हम भी इसी ट्रेन में जा रहे होते हैं। क्या सही लग रही है ना, 6 घंटे खड़े होते। रिजर्वेशन तो था नहीं हमारा। अभी गुरुद्वारा यहाँ से करीबन करीबन 9.5 किलोमीटर है और लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, बाइकें ही बाइकें हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं होला मल्ला मनाने के लिए ना। लो जी स्वागत है आपका आनंदपुर साहिब में। सुंदर लग रहा है ना कितना, ये देखो भाई लंडी जीप क्या सही लग रही है। और ये साइड में स्कॉर्पियो है, कम से कम इसके अंदर 250 बंदे निकलेंगे, कम से कम। आना चाहिए था यही, है ना, यही पे टेंट में सोते यार। गलत टाइम पे अपने टेंट उतार दिया। ट्रैक्टर कितना सुंदर लग रहा है, फार्म ट्रैक्टर के अंदर देखोगे ना चार्जिंग पॉइंट देखो, इतने हमें होटल के रूम में नहीं मिलते जब हम जाते हैं, लड़ते हैं आपस में बेड के पास, मैं सोऊंगा और यहाँ देखो पॉइंट ही पॉइंट है, फोन कम पड़ जाएंगे चार्ज करने को। पुलिस ही पुलिस है, बैरिकेड्स ही बैरिकेड्स है। टपा दिया। हमें भी लेना पड़ेगा ना एक ट्रैक्टर। तुम्हें अपने फार्म के लिए ट्रैक्टर चाहिए? हाँ चाहिए ना। कब लोगे उसकी डिलीवरी? थोड़े दिनों में। हैं? हम भी चलेंगे उसकी डिलीवरी पे। चल लेना और मजा आएगा। भाई ये वाली बाइक देखो, वो बढ़िया लग रही है। गाड़ी छोड़ दी है, थोड़ा घूमेंगे पैदल। अभी आपको एक बाइक दिखाता हूँ, ये देखो पूरे फ्लैग पे लाइटें लगाई हुई हैं। भारी है भाई, अब आदत नहीं रही ना, बहुत भारी है। टेंट लगाए हुए बंदों ने यहाँ पर ना रात को स्टे करने के लिए, आसपास यहाँ पर होटल वगैरह नहीं है। आधे से ज्यादा बंदे ट्रैक्टर में स्टे कर रहे हैं और उन्हें मुकुट लगा रखा है ट्रैक्टर के अंदर, भूत वाला। सारे बंदे यहीं सोए हुए हैं, सुबह होला मल्ला मना के जाएंगे। चढ़ा दिया भाई, चढ़ा दिया, टपा दिया। वो देख ट्रॉली कैसे मुड़ गई है। अंदर जो बंदे बैठे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मर्जी ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, ले जाओ तू, ले जाओ बस। क्या लाइट लगाई हुई है, नजर ही नहीं आ रहा है। हम उतरे थे गुरुद्वारे, जाते बाबा जी के दर्शन करके आते, लेकिन इतनी संगत है ना, इतनी संगत है, सुबह जाएंगे। जो यहाँ से हमारा होटल है ना, आसपास कोई भी होटल नहीं है, एक दो दिखे थे पीछे, वहाँ पर रूम वगैरह पता करें, कह रहे है ही नहीं, दो दिन से रूम ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा होटल है करीबन 40 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने पर, फिर सुबह वहीं से आ जाएंगे डायरेक्ट ना। सुबह बाबा जी के दर्शन करके मस्त होला मल्ला बना के आपको दिखा के, जो कल का सीन रहेगा ना, कल का दिन रहेगा नेक्स्ट लेवल रहेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कल आप देखोगे आप बोलोगे प्रभजोत भाई मजा आ गया। अभी निकलते हैं यहाँ से, हॉर्सी भी आया है, कल बहुत सारे हॉर्सी दिखेंगे आपको ना, घोड़े ही घोड़े। अगर खाली मैं और समीर ना आए होते ना, हम किसी ट्रैक्टर में ही सोए होते यहाँ पर, तो हम भी सो सकते हैं, इतना बात करो। सही में? हाँ। देखो देखो वकील की हंसी बता रही है, वकील की हालत नहीं होती है कहीं पे भी सोने की, पर मैं सो सकती हूं। मैं तो यही सो जाता इनके साथ ही ना, ये मेरे सारे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं कह रहा हूँ ना भाई है। इतनी तेज लाइट लगाई थी है, सामने से नजर ही नहीं आता। ट्रैक्टर में गेमिंग सीट लगाई हुई है। सत श्रीकाल वीरे, ठीक है, की हाल है भाई? सारे अपनी फैमिली है यहाँ पर ना, हर कोई जानता है, अच्छा भी लग रहा है। ये देखो क्या बढ़िया लिखा हुआ है, योर जॉब, आप ऑफिस में काम करते हो, और माय जॉब। हाईवे से उतर के ना खेतों के बीच में आ गए हैं, और ये ना बिल्कुल साहिबा के घर जैसी गली लग रही है ना। रोड। अंकल जी, आपका नाम बलदेव है क्या? तो जहाँ हम आए ना, जीजू को मैंने कॉल किया था, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई बढ़िया सी जगह बुक कर देना,
तो गुरुद्वारे के आसपास तो होटल थे नहीं, ये पूरा रेस्ट हाउस कह लो या गेस्ट हाउस कह लो भाई साहब। सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है ये। आमिर के लिए हो जाता ना यहाँ पर भाई, पर्सनल पर्सनल कमरा। आमिर आया ही नहीं, उधर तो छुप लिए, मैं नहीं जा रही उधर। कहाँ है छिपकली? आओ दिखाओ जरा, हम छिपकली को पकड़े हैं आज। यार क्या हो गया है, नहीं यहाँ पे कोई। किधर है भाई छिपकली? बस है, कर दो है। तुमने देखी है? हाँ मैंने देखी। चलो ठीक है, यहाँ मैं और समीर रन रहेंगे, फिर रात भर छिपकली को ढूंढेंगे। आज छिपकली कहाँ है तू? चोर पुलिस खेलेंगे हम। चोर पुलिस खेलेंगे, देखो छिपकली से हमें तो डर नहीं लगता, छिपकली हो चूहा हो कोई भी हो। बाकी ठीक है यार, होप करते हैं आपको आज के इस ब्लॉग में मजा आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। हमने यहाँ पर कॉल कर दिया था कि डिनर अपने को चाहिए, तो दाल रोटी चावल शायद ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो मेन बंदा है ना वो एक घंटा हमारा वेट कर करके चला गया। वहाँ पर मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मैंने वहाँ से इनको कॉल किया था, यहाँ इनके नेटवर्क नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कल वीडियो थोड़ी लेट अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। बाय 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 बाय। आज ट्रेलर था, कल पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है भाई, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।